प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिगवंश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे समास के बारे में। इससे जो पहले के वीडियो थे उसमें हम 10 क्लास बोर्ड के अनुसार जो पाठ्यक्रम होता है उसमें हम क्रिया और विशेषण की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम देखते हैं समास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कौन कौन से हैं और परीक्षा में किस माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। विभक्ति से विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। इस परिभाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले विभक्ति से विहीन, जितने भी पद होंगे उसमें विभक्ति नहीं होगी, पहली बात ये। उसके बाद विहीन, विहीन मतलब अलग, बिल्कुल हट करके। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक, सार्थक मतलब ऐसे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, का समस्त योग होना चाहिए। पूरा अर्थ ये हो जाएगा इसका कि विभक्ति से विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं। अब देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, समास के 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद। कौन कौन से? सबसे पहले अव्ययीभाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के बाद में आएगा अपने कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवरी समास। ऐसे मिलाकर के कुल 6 भेद हो जाते हैं समास के। अब सबसे पहले एक एक समास की परिभाषा और उनके उदाहरणों को समझते हैं। अव्ययी भाव समास, ये सबसे पहला समास है, इसकी परिभाषा हो जाएगी जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो। जो अपना समस्त पद होगा उस पद में जो हमारा पहला जो पूर्व पद हो क्या हो जाएगा? अव्यय, वो हो जाएगा अपने अव्यय भाव समास। कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल, यथाक्रम और आमरण, ये सारे हो जाएंगे अव्यय भाव समास के उदाहरण। अब इनको समझते हैं। जो यथा शब्द है वो हो जाएगा अव्यय, कहां पर है? पद के, शब्द के पहले। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा, वो हो जाएगा हमारा अव्यय भाव समास। उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति हो जाएगा हमारा अव्यय शब्द और दिन हो जाएगा जो दूसरा शब्द है। इसके आगे कौन सा शब्द आ गया? प्रति, प्रति होता है अव्यय शब्द, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। फिर प्रतिपल, इसके आगे भी प्रति है तो कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव समास हो जाएगा। इसी प्रकार हताक्रम, आमरण, ये सारे ही उदाहरण हमारे अव्यय भाव समास के अंदर आएंगे। जो आमरण है इसका अर्थ होगा मृत्यु पर्यंत, जैसे कि यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति है उसी के अनुरूप, इस प्रकार। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो। ध्यान रखना है, जो अव्यय भाव समास था उसमें क्या था? पूर्व पद प्रधान था, और जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या है? अपने उत्तर पद प्रधान है। उत्तर पद का मतलब पीछे का पद। किस प्रकार? उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। राजमाता, देशभक्त, राजपुरुष। अब यहां पे जो माता शब्द है वो हो जाएगा हमारा उत्तर पद। उसी प्रकार भक्त, पुरुष, ये सारे उत्तर पद है। अब राजमाता, अगर मान लो राज्य को आगे बढ़ाना है तो राज्य कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्या जाएगा उसकी जगह पे? माता जाएगी और राज्य का वर्धन करेगी। देशभक्त, क्या देश कहीं पे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कौन जाएंगे? जो भक्त है उसके, वो क्या करेंगे? आगे जाएंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे।
राज पुरुष अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो क्या होगा, जो वहां के पुरुष है वो क्या करेंगे, युद्ध करने जा सकते हैं या वो किसी कार्य के लिए जा सकते हैं, उसे राज्य का क्या होगा, वर्धन होगा। तो राजमाता, देशभक्त और राज पुरुष, इसमें जो उत्तर पद है माता, भक्त और पुरुष, ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसलिए जिस समास पद में उत्तर पद प्रदान होगा वो कौन सा समास हो जाएगा, अपने तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे चलिए, तीसरा भेद है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है, जिस समस्त पद में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो वो कौन सा हो जाएगा, हमारे कर्मधारय समास हो जाएगा। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो चलिए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। श्वेतांबर, नीलकमल, चंद्रमुख, महाविद्यालय और मृगनयनी, इन शब्दों में दो भेद है, एक इसके अंदर है विशेषण, दूसरा इसके अंदर विशेष्य। अब श्वेतांबर, श्वेत अंबर, अंबर यानी आकाश, तो आकाश कैसा है, श्वेत है, सफेद है, तो सफेद हो जाएगा विशेषण और अंबर हो जाएगा विशेष्य। विशेष्य होता है छोटा और विशेषण होता है बड़ा, जिससे जिसकी उपमा दी जाती है, जिससे जिसकी उपमा दी जाती है और जिसको दी जाती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फिर है नील कमल, तो कमल किसके समान है, कैसा है कमल, तो नील है, तो यहाँ पे नील हो जाएगा विशेषण और कमल हो जाएगा विशेष्य। चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, विशेषण और मुख क्या हो जाएगा, विशेष्य। फिर महाविद्यालय, विद्यालय कैसा है, महान है, तो महा हो जाएगा विशेषण और विद्यालय हो जाएगा विशेष्य। अंत में है मृगनयनी, नयनी मतलब आंख हो जाएगा, किसके समान, तो कहते हैं कि मृग के समान, जो सुंदर लड़की होगी या नायिका होगी जिसकी आंखें हिरणी के समान होगी उसे कहेंगे मृगनयनी। तो जिसकी आंखें हिरणी के समान है, आंखें किसके समान है, हिरणी के समान है, तो मृग हो जाएगा विशेषण और नयन हो जाएंगे विशेष्य। इस प्रकार ध्यान रखना है कि जहां पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो वहां पे कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। उसके बाद है चौथा भेद, वो है द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान समास है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक हो वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। अब आपको देखना यह है कि शब्द के आगे कोई संख्या दे रखी हो तो वहां पे हो जाएगा द्विगु समास। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। त्रिलोक, चौराहा, पंचवटी, दोपहर, शताब्दी, ये जितने भी शब्द आपको यहाँ दिख रहे हैं उन सभी शब्दों के आगे कोई ना कोई संख्या लिखी हुई है। तो जैसे ही आप संख्या को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास है, द्विगु समास है। संख्या कहाँ पे, पूर्व में होगी, शब्द के पहले होनी चाहिए। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। चौराहा, चार चौराहों, चार चौराहे जहाँ पे हो जाएंगे। पंचवटी, पंचवटियों का समूह हो जाएगा। दोपहर, दो पहर। और शताब्दी, सो आब्दी हो जाएगा, तो शताब्दी हो जाएगा। इसी प्रकार जिस किसी भी शब्दों के आगे पूर्व पद संख्यावाचक होगा तो वो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। उसके बाद है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों शब्दों के अर्थों की प्रधानता होती है, ध्यान देना इसमें दो शब्द होते हैं और दोनों ही शब्दों के अर्थों की प्रधानता होगी। कैसे, जैसे माता और पिता, माता का अलग महत्व है और पिता का अलग महत्व है, दोनों है तो एक ही, लेकिन माता के कुछ अलग, अब देखोगे कि हमें सामाजिक जो हमारा
व्यवहारिक जो हमारा परिवार है, ये जो हमारा सामाजिक परिवार है, उसके अंदर माता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार पिता को भी सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। लेकिन माता और पिता में थोड़ा सा फर्क होता है। दाल और रोटी, दाल अलग होगी और रोटी अलग होगी, लेकिन ये दोनों साथ में होगी तभी खाने का आनंद आएगा। उसके बाद है राधा और कृष्ण। वैसे तो दोनों एक ही है, लेकिन कृष्ण पुरुष रूप में आ जाएंगे और राधा है वो स्त्री रूप में आ जाएगी। इस प्रकार किसी भी शब्द के बीच में अगर और लगा हुआ है तो और को देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा समास है वहां पे, द्वंद्व समास है। क्यों? यहाँ पे दोनों ही शब्दों के अर्थों की क्या है, प्रधानता है। माता और पिता दोनों शब्द प्रधान है, दाल और रोटी दोनों शब्द प्रधान है, और राधा और कृष्ण ये दोनों शब्द बहुत ही प्रधान है। इस प्रकार अंत में बचता है बहुव्रीहि समास। इसमें आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि परीक्षा में इसी के मिलते जुलते प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और समस्त पद से किसी अन्य अर्थ का बोध होता है। इसकी विशेषता क्या है कि जिस समस्त जो आपका समस्त पद है उसमें आपको एकाएक बोध नहीं होता है अर्थ का, लेकिन अन्य अर्थ का उसमें बोध होता है। किस प्रकार, चलिए देखते हैं। दशानन, आपको एकाएक इसका अर्थ का बोध नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा गहराई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा। दश आनन, आनन यानी सिर, जिसके 10 सिर है तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका, लंकापति रावण हो जाएगा। फिर नील कंठ, इसका एकाएक अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा गंभीरता से इसको लेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान महादेव। फिर है लंबोदर, लंबोदर मतलब जिनका जो उदर है, जो पेट है वो क्या है, बहुत बड़ा है, तो वो जाएंगे हमारे श्री गणेश। फिर है नागपति, ये बिल्कुल नया शब्द है, इसको ध्यान से देखिएगा। नाग का मतलब होता है स्वर्ग, अपति मतलब स्वर्ग के अधिपति, कौन हो जाएंगे, इंद्र हो जाएंगे जो देवताओं के देवता हैं। और गजानन, गज यानी हाथी और आनन मतलब मुख, जिसका मुख किसके समान है, हाथी के समान है, वो हो जाएंगे हमारे श्री गजानन जी महाराज। और विश्वधर, जिसने विष को धारण किया हुआ है, वो हो जाएंगे हमारे भगवान शिव। तो जहां पर भी शब्दों को देखने से या पदों को देखने से एकाएक अर्थ नहीं निकलता है और उसका अन्य अर्थ निकलता है, वो हो जाएंगे हमारे सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण। तो सबसे पहले समास की परिभाषा हो गई, उसके बाद समास के 6 भेद हो गए और एक एक करके इनकी परिभाषाएं और इनके भेदों को देखा हमने। अब एक चीज और देखनी है, इनकी सारी परिभाषा जितनी है वो आपको इससे भी बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने बच्चों के हिसाब से उनको ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं हो इसलिए बिल्कुल आसान सा रूप इनको मैंने दिया। जैसे आप देख सकते हैं, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में, बिल्कुल एक ही शब्दों का मैंने प्रयोग किया है ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो। अब देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चे देखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या तो आपको सीधा से ये पूछा जाता है कि अव्यय भाव समास का उदाहरण बताइए और इसकी परिभाषा लिखिए, या फिर पूछा जाएगा कर्मधारय समास के बारे में, आपको परिभाषा और उसके उदाहरण दोनों ही पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी उसमें गलती कर देते हैं। वो गलती क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा पूछी, आप परिभाषा भी लिख देते हैं और उसका उदाहरण भी लिख देते हैं, लेकिन आप उदाहरण को समझाते नहीं हैं, इसलिए आपके जो नंबर है वो क्या होते हैं, कम आ जाते हैं। आपको समझाना पड़ेगा कि राज माता, इसमें जो माता शब्द है वो उत्तर पद है, और जहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता होती है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो इसी प्रकार
हमारा जो समाज का टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।